नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट के क्वेरी का रिप्लाई करने वाला हूँ कि उसका सवाल ये था कि सर, हर एक इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग के फी अलग अलग क्यों होते हैं। तो उसका सवाल जायज़ है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। हालांकि मैंने उसको फ़ोन पर भी काफ़ी सारी बातें समझाई कि क्यों जो फी हैं वो डिफर करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। और मैंने सोचा कि हमारे जो ऑनलाइन कनेक्टेड सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हैं हमारे YouTube में जुड़े हुए, मैं उनको भी जानकारी दूं कि जो फ़ी है डिजिटल मार्केटिंग का वो क्यों वेरी करता रहता है। देखिए, आपने जब अपना ग्रेजुएशन किया है या इंटरमीडिएट किया है आपने, या फिर हाई स्कूल किया है, या उससे भी पहले की बात आप कर लो, जब आपने बचपन में पढ़ाई की है, तो आपने उस समय भी देखा होगा कि हर एक स्कूल का जो फ़ी है वो अलग अलग होता है। हर कॉलेज के फ़ी अलग अलग होते हैं, इवन कि कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम्स के भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो बीए का फ़ी अलग होता है, बीकॉम का फ़ी अलग होता है ना, बीएससी का भी फ़ी अलग होता है। तो एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए भी अलग अलग फ़ी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से सिखाई जा रही है, कहाँ पर सिखाई जा रही है, कौन सिखा रहा है, कितने ड्यूरेशन में सिखा रहा है, कितना अनुभव है उनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करके फ़ी का डिसीजन होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ कंबाइंड करके फ़ी का एक डिसीजन होता है कि हमारा फ़ी कितना होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट है, मान के चलिए कि अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूँ, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छे एरियाज में अवेलेबल हैं। अच्छे एरियाज का मतलब कि जहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी आसान है, चाहे वो मेट्रो का कनेक्टिविटी हो, बस का कनेक्टिविटी हो, या फिर और भी अदर मीडियम्स के कनेक्टिविटी हो, वहाँ तक लोगों का पहुँचना काफ़ी आसान है। ठीक है, और अगर वो चीज़ें बिल्कुल सेंटर में है तो और भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि वो कहीं से भी पहुँच सकते हैं आसानी से अपने इंस्टीट्यूट में। तो वैसे इंस्टीट्यूट्स दिल्ली के जो कि कहीं सेंटर में अवेलेबल हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स का पहुँचना काफ़ी आसान है, ठीक है, उस तरह के इंस्टीट्यूट का जो फ़ी होता है वो हाई होता है थोड़ा, वो क्योंकि लोकेशन उनका काफ़ी अच्छा है, लोकेशन के वजह से उनकी फ़ी काफ़ी हाई। पहला फैक्टर हुआ लोकेशन आपका। ठीक है, दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो वो इंस्टीट्यूट कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज द इंस्टीट्यूट, ये भी फैक्टर होता है कि इंस्टीट्यूट का फ़ी कितना होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो कि लगातार 20 साल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रही है या 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर दिया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने करियर अच्छा बना दिया है डिजिटल मार्केटिंग में। तो उस बिलीव के ऊपर, उनके एक ट्रस्ट के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और जब जहाँ पर डिमांड बढ़ता है, ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइसिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। तो दूसरा फैक्टर है कि इंस्टीट्यूट का जो एज है वो भी डिपेंड करता है हमारे फी को चेंज करने में। थर्ड, अगर हम लोग बात करें तो ट्रेनर एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई पुराने इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पे ट्रेनर अच्छा नहीं है, कोई नया इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी पुराने ट्रेनर के साथ काम कर रहा है, तो ये भी एक फ़ी फैक्टर है। कोई नया इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी 15-20 साल पुराने ट्रेनर को लेकर के आ रहा है, तो वहाँ की फ़ी हाई हो सकती है क्योंकि उस ट्रेनर के पास अनुभव है, लगातार 10-15 साल से वो काम कर रहा है कि किस वे में किस स्टूडेंट को हमें समझाना है। तो होता है कि जब आप उस तरह के ट्रेनर से पढ़ाई करते हैं, उस तरह के टीचर से आप पढ़ाई करते हैं, आप 100% फुली सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उसे तरीका पता होता है कि वो किसे किस तरह से समझाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैटर करता है वो है स्टडी मटेरियल्स के ऊपर भी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी कम चीज़ों को पढ़ाती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाती हैं, ब्रॉड में पढ़ाती हैं, तो ये भी एक फी फैक्टर। नेक्स्ट है कि आइदर इंस्टीट्यूट्स लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करा रही या नहीं करा रही, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं डिजिटल मार्केटिंग के दिल्ली में या फिर अलग अलग इंडिया की सिटीज में जो कि एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग है। एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि वो बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आपको हमेशा इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए प्रीफर करना चाहिए जहाँ पे आपको एजेंसी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए सिखाया जाता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे क्लाइंट्स के अलग अलग प्रोजेक्ट है तो उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है कि अभी करेंटली में क्या ट्रेंडिंग में है, क्योंकि वो लगातार डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि हम लोग क्या काम करेंगे जिसके वजह से हमें रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो ये भी एक फी फैक्टर होता है। मॉड्यूल की जो मैंने बात की वो भी एक फी फैक्टर होता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फी फैक्टर और क्या हो सकता है, तो प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स जो है वो भी फी को घटाने और बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि मान लो कोई इंस्टीट्यूट है जो 1000 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है और 1000 में से अगर उसके 809 से स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में हुआ है, अगर वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो भी उस इंस्टीट्यूट का फी बढ़ाया जा सकता है।
और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, 80% 90% का रेट है प्लेसमेंट का, सक्सेस रेट है, तो लोग प्रीफर करते हो वहाँ पे जाना, और जहाँ पे लोग प्रीफर करेंगे आसानी से वहाँ का फी बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा होता है फी वहाँ का, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग फ़ी के वेरी होने के, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट जितना पुराना है उनकी फ़ी आप देखेंगे कि उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं। आजकल स्टूडेंट्स का एक और वहम है ऐसा कि जिस इंस्टीट्यूट का इंटीरियर, उसके एम्बियंस वगैरह काफ़ी कूल टाइप का है, अच्छा लगता है, जो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और क्योंकि जो इंटीरियर के ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लोकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वैसे इंस्टीट्यूट आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर कोई लॉयल टीचर है, एक ट्रस्टवर्दी टीचर है, और अगर वो खराब लोकेशन में भी पढ़ा रहा है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा है, तो आपको उसको प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए एम्बियंस मैटर नहीं करता, आपके लिए लोकेशन मैटर नहीं करता, आपके लिए जो 100% मैटर करता है वो सिर्फ आपका नॉलेज मैटर करता है। तो अगर कोई टीचर दावा करता है, अगर उसके पास्ट रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के, स्टूडेंट्स के रिव्यू अच्छे हैं, तो आप आँख बंद करके उसको ट्रस्ट करिए और वहाँ पर ज्वाइन करिए, ठीक है। फी के चक्कर में पढ़ना स्कैम हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है, आप कह सकते हो, अगर फी के चक्कर में आप जाओ कि अगर कोई इंस्टीट्यूट 1 लाख रुपए फी चार्ज कर रही है तो हम वहाँ पे ज्वाइन करें, हमें ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट 15,000-20,000-30,000 रुपए चार्ज करे तो वहाँ पे हमें अच्छा नॉलेज नहीं होगा, इसमें अगर आप पढ़ते हो तो फिर एक गलत है आपका डिसीजन, ठीक है। आपको हमेशा वैसे टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए, वैसे शिक्षक का चुनाव करना चाहिए जो इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर सके अभी के टाइम में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको फ़ी का जो वेरिएशन है वो मिलता है इंस्टीट्यूट्स में, और क्यों कारणों से क्या कारण है जिसके कारण फ़ी का वेरिएशन होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन डैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।